हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइकेबल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों, ये जो ऑफ कैंपस ड्राइव निकाली गई है, यहाँ पे तीन बैसेज एलिजिबल हैं, जो कि आपको 2018, 19 एंड 20 है, यानी कि जो भी 2018, 19 और 20 के पास आउट बैच है वो इस ड्राइव को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कोई डाउट या क्वेरी ना रहे, ताकि आप बाद में क्वेश्चन ना पूछो कि मैं एलिजिबल हूँ ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। एंड ये ड्राइव ऐसे भी ये ब्रांच स्पेसिफिक है, तो कुछ ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल हैं, कुछ ब्रांच एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कोई डाउट या क्वेरी ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने आपको बताया, टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस ड्राइव 2020 निकली है, एंड यहाँ पे जो आपको हायरिंग हो रही है वो आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हो रही है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोफाइल है जो कि आपको दी जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसेस। एंड यहाँ पे जो निकाली गई है, ये आपको बीटेक अक्रॉस इंडिया निकाली गई है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। अब मैंने आपको बता दी बीटेक निकाली गई है, बैच भी बताया 2018-19-20 है। अब इसकी आगे कुछ स्टेप है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा जॉब रोल मैंने आपको बता दिया, एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हायर की जा रही है। क्वालिफिकेशन बीटेक है, ओनली फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ओके, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई, यहाँ पे 50 वैकेंसीज ही हैं फिलहाल। ओके, एंड ईयर ऑफ पासिंग मैंने बताया 18, 19 और 20 ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और बैच एलिजिबल नहीं है। एंड एक्सपीरियंस कोई नीड नहीं है, या जैसे कोई बंदा 2018 का पास आउट है बट उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो एलिजिबल है इस ट्राइब के लिए। ओके, तो ऑल फ्रेशर आर एलिजिबल फॉर दिस ट्राइब। ओके, एंड पैकेज आपको सैलरी 3.25 है एज अ फ्रेशर। हाँ, कंपनी की यही एक कॉर्पोरेट की एवरेज सैलरी यही होती है, तो आपको पैकेज भी इनिशियल पैकेज सही दे रही है। एंड लास्ट डेट जॉब लोकेशन यहाँ पे आपको बैंगलोर दी गई, यानी कि जो टेक महिंद्रा ये अपनी बैंगलोर लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है, तो जो भी बैंगलोर में है या इंटरेस्टेड हो या रिलोकेट करना चाह रहे हो, इस ड्राइव को जरूर अटेंड करें, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल है जो कि आजकल बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट कम होती है, सपोर्ट ज़्यादा होती है। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो इसे मिस ना करें। एंड आपको लास्ट डेट अभी कोई डिक्लेयर नहीं की गई है, ये जॉब अभी कुछ दिन पहले पोस्टेड हुई थी एंड अभी भी लाइव है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, वीडियो देख रहे हो, उसे जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अब बात करते हैं इसकी प्रोफाइल की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रांच स्पेसिफिक है, बीटेक तो एलिजिबल है ही, बट इसमें एक ब्रांच है आप ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिप, उसके लिए ये ड्राइव निकाली गई है। यहाँ पे CSIT एलिजिबल नहीं है, और सिविल और मैकेनिकल तो है ही नहीं। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस ड्राइव को ज़रूर करें, आपके लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक महिंद्रा एक इज ऑल्सो अ टॉप MNC कंपनी ऑफ इंडिया आफ्टर 3 MNC टेक महिंद्रा कम्स। ओके, तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, अब कुछ क्रिटेरिया है जो थ्रू आउट एकेडमिक, आपको मिनिमम 60% होनी चाहिए, यानी 10-12 डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएशन हो, आपको मिनिमम 60% चाहिए। एंड आपकी पासिंग ईयर 18, 19 एंड 20 होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे गैप है, आपकी मोर देन 1 ईयर गैप नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी यहाँ पे बताई गई है, आफ्टर ज्वाइनिंग अ कोर्स मीन्स नो लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन ज्वाइन करी है 15 में, सॉरी, अगर आपने 15 में ज्वाइन करी है तो आपकी 19 में कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आपने 14 में ज्वाइन किया तो 18 में कंप्लीट होनी चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स कोई आपको गैप नहीं होनी चाहिए। ओके, सॉरी, तो ये यहाँ पे कह रहा है आपकी मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड ड्यूरिंग दी कोर्स कोई गैप नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स भी उनसे रिलेटेड होगी, जो ईसी वाले होंगे वो उनको पता होगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है आपको CCNA CCNP सर्टिफाइड। ओके, लॉजिकल एनालिटिक्स क्रिएटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप लोग में से मोस्ट ऑफ द ईसी स्टूडेंट CCNA एंड CCNP तो करते ही करते हैं, तो आपको मैक्सिमम लोगों के पास ये आपके पास एलिजिबिलिटी होगी। एंड कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल फॉर 2 ईयर्स बॉन्ड ऑफ 1 लाख। ओके, तो गाइज बॉन्ड को लेके कभी टेंशन मत लेना, मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार बताया है कि एज अ फ्रेशर कोई भी फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे बॉन्ड को लेकर परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई कंपनी 1 ईयर और 2 ईयर की बॉन्ड कर रही है तो आप सिक्योर हो, ना कि कोई कंपनी को लॉस जा रहा है। एटलीस्ट आप कहीं भी जाओगे तो 1-2 साल तो 1 साल तो रहोगे ही, 6 महीने में कंपनी तो छोड़ के आओगे नहीं, तो बॉन्ड को लेकर कभी इशू ना बनाए, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे कैच करें। ओके,
अब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करें। एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी विल बी वर्किंग इन अ टीम, ओके इट्स ओके एंड डाइवर्स प्रोजेक्ट। टू बी सक्सेसफुल इन दिस रोल यू मस्ट पोजेस अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निकल स्किल। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ आइडियाज़ होते हैं उसे ही कोड करनी होती है। एंड एबल टू कम्युनिकेट दैट्स इट एंड 24x7 प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, कुछ प्रोजेक्ट 24x7 भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो वो तो अलग बात है, कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट है एंड प्रोजेक्ट की डिमांड होती है क्लाइंट की। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी होती है। डिलीवर द असाइन प्रोजेक्ट टास्क इन गिवन टाइम फ्रेम, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट या क्लाइंट मैनेजर या क्लाइंट आपको सबमिट डेडलाइन होती है कि मुझे ये प्रोडक्ट या एप्लीकेशन इस टाइम पे चाहिए, तो आपको तो ये SLA का पार्ट होता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड कोऑपरेट विद टीम मेंबर, कंटिन्यूस लर्निंग, हैंडल कस्टमर कॉल्स, कैरी कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको स्किल्स रिक्वायर्ड बताई है वो आपको जरूरी है, ओके। तो सैलरी मैंने आपको बता दी 3.25 लाख की। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस जो इसकी एप्लीकेशन लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहां पे ये पोस्टेड है वहां पे बता रहा हूं, आप देख सकते हो बेंगलोर लोकेशन के लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक महिंद्रा की पोस्ट यहां पे लाइव है। अभी तक अप्लाई का बटन आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, जब तक ये पिंक कलर का बटन है तब तक ये जॉब लाइव होती है, ओके। तो अभी ये जॉब लाइव है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये लाइव रहेगी कुछ दिन, तो इसे मिस ना करें जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हाँ एक चीज़ मेरे से मिस हो गई कि आपको जो सिलेक्शन होगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 मंथ्स इंटर्नशिप की, तो आपको 3 महीने इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग पीरियड जो भी समझो वो रखा जाएगा, 3 महीने के बाद आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा, ओके। तो डेट्स नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है ये। मैक्सिमम जिससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें 6 महीने की थी, 6 महीने के बाद कन्फर्मेशन थी, यहाँ पे आपको 3 महीने हैं, ओके। तो डेट्स नॉट अ इशू। आपको प्रोफाइल डिटेल मैंने बता दी, स्किल्स भी बता दी, कंपनी आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या है, एंड सिंपली आपको इस लिंक पे आके अपनी बटन पे क्लिक करना है, अप्लाई बटन पे, एंड आपको अप्लाई कर देना है, डेट्स इट। एंड जो भी आपकी जो फॉर्म होगी वो आपको ओपन करके सबमिट करनी है, एंड जो फर्दर डिटेल्स होगी आपको ईमेल या वाया मैसेज इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ओके। तो गाइस ये थे इन्फॉर्मेशन इस ट्राइब से रिलेटेड। आपको कोई भी डाउट अभी भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, ओके। एंड गाइस वीडियो पसंद आया तो अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी ऑफ कैंपस ट्राइब आती हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एंड आपको दोस्त को भी मिलती रहे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को भी अपने दोस्तों एंड आपके जो कलीग्स हैं कॉलेज ग्रुप है TNP के प्लेसमेंट सेल के उसमें इस चीज़ को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये इन्फॉर्मेशन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।